हाय फ्रेंड, आज जो मेरे पास किट आया हुआ है, ये देखिए फ्रेंड, ये लोकल किट है और इसमें प्रॉब्लम है, इसमें पिक्चर नहीं है, साउंड है और आरजीबी वोल्टेज बिल्कुल है, सिस्टम का वोल्टेज सब कुछ सही है और इसमें स्क्रीन नहीं आते हैं। चलिए फ्रेंड, मैं इस टीवी को ऑन करता हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने टीवी को ऑन किया और इसको और ये ऑन होने का आवाज अभी आ रहा है। और देखिए फ्रेंड, मैंने इसका जो स्क्रीन पूरी फुल करके रखा है, फिर भी देखिए कुछ इसमें स्क्रीनिंग लाइट नहीं दिख रहा है। देखिए स्क्रीन भी फुल किया हुआ है। मैं आप लोगों को इसका जो सभी वोल्टेज माप के दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं वायर को ग्राउंड करता हूं, सभी वोल्टेज मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए देखिए फ्रेंड, यहां पे जो 102, देखिए 123, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद हॉरिजेंटल स्विचिंग और वर्टिकल आईसी के लिए 30 वोल्ट, ये भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद हमारा जो सिस्टम के लिए है 12 वोल्ट, यहाँ पे देखिए फ्रेंड 13 वोल्ट, ये भी बिल्कुल सही है। और साउंड के लिए जो वोल्टेज है, देखिए 17 वोल्ट, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड, और हमारा जो यहाँ पे 5 वोल्ट और 8 वोल्ट, देखिए देखिए फ्रेंड, 5 वोल्ट बिल्कुल सही है, 8 वोल्ट देखिए, 8 वोल्ट देखिए, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए 8 वोल्ट भी बिल्कुल सही है। और हमारा ट्यूनर पे देखिए 5 वोल्ट बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो आई के, यहाँ पे 8 वोल्ट बिल्कुल सही है। हमारा जो ईप्रन पर भी वोल्टेज देखिए, एसडीए एसीएल पर वोल्टेज भी देखिए, आरजीबी में वोल्टेज देखिए 3 वोल्ट, 1.7 वोल्ट, 1.7 वोल्ट, ये जीएनडी है, ये आई के है। देखिए फ्रेंड, ये हमारा जो सब कुछ वोल्टेज सही है। इसे स्टैंड करके रखता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मेरा 180 भी देखिए, 180 वोल्ट, 192, यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। और हमारा जो एबीएल वोल्टेज जो है वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए एबीएल वोल्ट देखिए 5 वोल्ट, यहाँ पे सही है। यहाँ पे जम्पर होके यहाँ पे एक जो जिनर डायोड है यहाँ पे आता है, यहाँ पे 4148 जिनर डायोड भाया, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 47 किलो ओम्स की एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 2K7 रहते हैं, देखिए 5 वोल्ट से, यहाँ पे भी वोल्टेज सही है। और यहाँ पे देखिए एबीएल, हमारा एबीएल पिन पे देखिए, ईएसटी पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा एबीएल पिन, यहाँ पे भी वोल्टेज सही है, फिर भी हमारा जो स्क्रीन नहीं दिख रहा है और रिट्रेस भी नहीं आ रहा है। हमारा एबीएल पिन खराब होगी तो रिट्रेस आएगी, पिक्चर नहीं आएगी। और देखिए फ्रेंड, मैं आप लोगों को आरजीबी वोल्टेज भी दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारा आर, देखिए फ्रेंड, रेड में 180 वोल्टेज है और ग्रीन में देखिए 179 वोल्ट है और ब्लू में देखिए 142 वोल्टेज है। और देखिए फ्रेंड, हीटर भी लाइट जल रहा है, देखिए हीटर भी ग्लो हो रहा है, फिर भी यहाँ पे स्क्रीनिंग नहीं है। हमारा जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो स्क्रीन का जो वायर है, देखिए ये स्क्रीन का वायर, ये पीएफ, यहाँ पे एक पीएफ है, इस पीएफ को चेक करना है। ये पीएफ बाहर से शॉर्ट नहीं दिखाएगी, ये खराब होने से हमारा डिस्प्ले में कोई स्क्रीनिंग नहीं आएगी। चले फ्रेंड, मैं पहले क्या करूंगा, एक बार इस पीएफ को चेंज करूंगा। चले फ्रेंड, मैं इसे खोल लेता हूं, खोलने के बाद दिखाता हूं। देखिए फ्रेंड, इस पीएफ को मैंने निकाल लिया हूं। देखिए ये 102 2KV दिख रहा है, देखिए फ्रेंड।
और इसे हम यहां से निकाल लिए हैं देखिए, और यहां पे जो मैं पीएफ लगाऊंगा देखिए, ये पीएफ लगा के हम टेस्ट करेंगे। देखिए यहां पे पीएफ को जोड़ लिया हूं, अभी इसको मैं ऑन करूंगा। चले फ्रेंड मैं इसे पावर देता हूं, अभी देखते हैं इसमें क्या हुआ है। देखिए फ्रेंड मैंने इसे ऑन किया हूं और अभी हम देखेंगे। देखिए देखिए फ्रेंड यहां पे अभी रिट्रेस आ गया है, मैंने पूरी स्क्रीन करके रखी थी, इसे मैं थोड़ा कमा लेता हूं। देखिए फ्रेंड हमारा जो अभी स्क्रीन आ गया है, हमारा जो इस टीवी में प्रॉब्लम थी यहां पे ये जो पीएफ जो स्क्रीन का वायर होता है, चलो फिर मैं बंद करता हूं। ये जो स्क्रीन का वायर है जो डिस्प्ले में स्क्रीनिंग करता है, और ये हमारा है फोकस का वायर, ये स्क्रीन का वायर जहां पे ये पीएफ लगा हुआ था ग्राउंड से, ये पीएफ खराब होने से या शॉर्ट होने से ये हमारा ये प्रॉब्लम जो नो पिक्चर डिस्प्ले में नो स्क्रीन नो रिट्रेस यही प्रॉब्लम होता है। देखिए फ्रेंड अभी हमारा जो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गया है। चलिए फ्रेंड आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।